सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। साथ ही हमारे जितने भी YouTube के दर्शक साथीगढ़ हैं उनको भी मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल में सभी विद्यार्थियों की ऑनलाइन एंट्री की थी जो स्कॉलरशिप की पात्रता रखते हैं, और राज्य स्तर से DPI द्वारा सभी विद्यार्थियों के खातों में स्कॉलरशिप की राशि भुगतान किया जा रहा है, संवितरण किया जा रहा है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के जो अकाउंट्स हैं उसमें किसी प्रॉब्लम के कारण उनके अकाउंट्स में उक्त राशि ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि या तो उनके खाता क्लोज हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण से उनकी जो बैंक अकाउंट्स है उसमें स्कॉलरशिप की राशि ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, हस्तांतरित नहीं हो पा रही है। तो चलिए हम आज के वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप उक्त विद्यार्थियों की लिस्टिंग देख सकते हैं, सूची देख सकते हैं कि आपके विद्यालय में कितने विद्यार्थियों में यह प्रॉब्लम है अकाउंट संबंधी जिसके कारण से उनके खाते में राशि हस्तांतरित नहीं हो पा रही है, और किस प्रकार से आप उनके जो खाता है उसको चेंज कर सकते हैं या फिर उसको एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है schoolscholarship.cg.nic.in, इस पर हमको लॉगिन करनी है, विजिट करनी है इस साइट पर। जैसे ही हम विजिट करते हैं तो हमारी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है जहां पर यूजर लॉगिन लिखा होता है। तो यहां पर आपको अपना यूजर आईडी और नीचे में अपना जो पासवर्ड है उसको डालने के बाद नीचे में जो कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है उसको एंटर करने के बाद हमको ये लॉगिन बटन पे प्रेस कर देनी है। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो सीधे हम स्कूल स्कॉलरशिप पोर्टल की हम अपने स्कूल की जो स्कॉलरशिप पोर्टल की ऑफिशियल डैशबोर्ड है हम वहां चले जाते हैं। हम वहां पर हमारी स्क्रीन दिखाई पड़ती है इस तरह से। यहां पर आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है राज्य स्तर का, और यहां पर हमको लॉगिन करके हमारे स्कूल का नाम लिखा होता है, साथ ही जो भी शिक्षक द्वारा लॉगिन किया गया है उसका नाम यहां पर हमको डिस्प्ले हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार हम देख सकते हैं कि कितने विद्यार्थियों का अकाउंट संबंधी प्रॉब्लम के कारण उसके जो स्कॉलरशिप की राशि है उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, संवितरण नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले संवितरण पे जाएंगे। जैसे ही हम संवितरण पे जाते हैं तो देखिए पहला टैब मिल रहा है संवितरण 2020-21, उसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिखाई पड़ता है सुधार के लिए उपलब्ध विद्यार्थियों की जानकारी। जैसे ही इसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जितने भी विद्यार्थियों का अकाउंट संबंधी प्रॉब्लम है उसकी लिस्टिंग हमारे सामने प्रदर्शित हो जाती है इस तरह से। देखिए इस तरह से आपके सामने यहाँ पर आपको कुल संख्या दिखाई पड़ेगा। देखिए इस विद्यालय के मामले में केवल एक विद्यार्थी है जिसका अकाउंट संबंधी प्रॉब्लम के कारण इसके में हस्तांतरित नहीं हो पाई है राशि जो है। यहाँ पर उनका स्कूल का नाम लिखा हुआ है, विद्यार्थी का आईडी भी दी गई है, साथ ही उस विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम और उस कौन से क्लास में अध्ययनरत है वह भी हमको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। साथ ही यहाँ पर रीजन बताया जाता है कि किस कारण से स्कॉलरशिप की राशि ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। यहाँ पर लिखा है फेल्ड ड्यू टू रिजेक्टेड बाय बैंक अकाउंट स्टेटस इज क्लोज, यानी कि जो खाता है वह बंद है जिसके कारण से बैंक द्वारा राशि हस्तांतरण नहीं किया सकी है, संवितरण नहीं किया सका है। तो इस तरह से आप जैसे ही उक्त ऑप्शन में जाएंगे तो आपके विद्यालय में जितने भी विद्यार्थियों के अकाउंट संबंधी प्रॉब्लम है उसकी सूची आपको यहां पर प्रदर्शित हो जाएगी, जितने विद्यार्थियों का वहां पे आपके विद्यालय में अकाउंट संबंधी प्रॉब्लम है यहां पे आपको उसकी संख्या मिल जाएगी। तो यहां से हमको पता चल जाता है कि कितने विद्यार्थियों के अकाउंट में प्रॉब्लम है जिसको हम सुधार के लिए जिनके अकाउंट्स में हम सुधार संबंधी कार्य कर सकते हैं। तो इसकी जो लिस्टिंग है हमको यहाँ से मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि उनके अकाउंट संबंधी जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, या तो अकाउंट क्लोज है या फिर अन्य कोई कारण है जिसके कारण से छात्रवृत्ति राशि आ नहीं पा रही है, तो उसमें हम किस प्रकार से करेक्शन कर सकते हैं, तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमको पंजीयन 2021 दिखाई पड़ रहा है, उसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखिए सबसे नीचे में ऑप्शन दिया है अकाउंट वैलिडेशन में असफल हुए विद्यार्थियों के बैंक खाता की जानकारी सुधारे, तो हमको इसी के ऊपर क्लिक करनी है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है इस तरह से। यहाँ पर लिखा होता है शैक्षणिक वर्ष विकास खंड का नाम और यहाँ पर लिखा है शाला, तो यहाँ पर हमको ड्रॉप डाउन से अपने शाला का नाम इस तरह से सेलेक्ट कर लेनी है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा है जानकारी देखे पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम जानकारी देखे पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उस विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी हैं जिसकी अकाउंट संबंधी जो समस्या है, परेशानी है, या तो अकाउंट क्लोज हो चुका है उसकी जानकारी हमको नीचे की ओर प्रदर्शित हो जाती है। उससे पहले यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि बैंक खाता विद्यार्थी के नाम पर या फिर अभिभावक के नाम पर ही होना अनिवार्य है, और कृपया खाता क्रमांक नवीन प्रविष्ट करें। कृपया नवीन खाता क्रमांक प्रविष्ट करने से पूर्व सुनिश्चित कर लेवे कि आपके द्वारा दर्ज खाता क्रमांक सही है एवं बैंक खाता चालू स्थिति में होना अनिवार्य है, यानी कि बैंक खाता क्रमांक सही होना चाहिए और वह चालू स्थिति में होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन दिखाई पड़ती है।
यहाँ पर देखिए जो पहले से डला हुआ है अकाउंट नंबर वो हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है, और साथ ही बैंक का आईएफएससी कोड या यहाँ पर ब्रांच नेम और यहाँ पर बैंक का नाम भी हमको दिखाई पड़ता है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या बैंक खाता विद्यार्थी के नाम पर है, तो यहाँ पर ये ऑटो सेलेक्ट नहीं है, ये ब्लॉक है। यहाँ पर फिर दिया है रीजन ऑफ फेलर, किस कारण से स्कॉलरशिप राशि फेल हो चुकी है, यहाँ पर दिया गया है। पहले मैंने आपको बताया कि फेल्ड ड्यू टू रिजेक्टेड बाई बैंक अकाउंट इट इज क्लोज, यानी कि खाता बंद होने के कारण राशि समीकरण नहीं हो पाया है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, देखिए यदि खाता ओपन हो गया हो तो चेक बॉक्स को टिक करें, यानी कि जो खाता अभी क्लोज दिखा रहा है, यदि जा करके पालक ने उक्त खाते को फिर से KYC करा के रनिंग करा लिया है, चालू करा लिया है, तो हमको उस स्थिति में इसको हमको टिक मार्क कर देनी है। इस तरह से जैसे ही हम टिक मार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही खाता फिर से यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है सेंड टू डीओ, जैसे ही हम सेंड टू डीओ को क्लिक करेंगे तो वह पुनः सेंड टू डीओ हो जाएगा, डीओ को चला जाएगा, सर्वर पर चला जाएगा, और फिर से वही जो अकाउंट नंबर है वह एक्टिवेट हो जाएगा और उसमें राशि। यदि खाता फिर से चालू कर लिया गया है तो उस स्थिति में हमको ये बॉक्स को टिक करना है, और यदि आप इसके बदले किसी और खाते को देना चाह रहे हैं विद्यार्थी के पालक या फिर विद्यार्थी का जो चालू स्थिति में है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, हमको एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है अपडेट एंड सेंड टू डीओ, तो हमको ये अपडेट एंड सेंड टू डीओ को क्लिक करना है। एंड सेंड टू डीओ को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से मैसेज आता है, तो हमको ये ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। इस तरह से हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमको ये IFSC कोड बैंक का, यहाँ पर बैंक का नाम चयन कर लेनी है, और उसके बाद यहाँ पर हमको बैंक का ब्रांच चयन कर लेनी है। इस तरह तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आती है, तो यहाँ से हमको बैंक सेलेक्ट कर लेनी है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमको ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हम ब्रांच सेलेक्ट करते हैं इस तरह से, तो हमारे सामने यहाँ पर IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाता है इस तरह से। फिर हमको यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करनी है, और उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पर हमको फिर से रीएंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है क्या बैंक खाता विद्यार्थी के नाम पर है, तो यहाँ पर हमको सेट करना है यस या नो। इस तरह से हमको जानकारी फिलअप करने के बाद यहाँ पर लिखा है अपडेट एंड सेंड टू डीओ को क्लिक कर देना है। और यदि उक्त विद्यार्थी को आप निरस्त करना चाह रहे हैं किसी कारणवश कोई भी जानकारी उसका नहीं मिल पाए, तो यहाँ से आप डिलीट करके उक्त विद्यार्थी को निरस्त भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जिन विद्यार्थियों का अकाउंट वैलिडेशन के या फिर पेमेंट में असफल होने के कारण उनके बैंक खातों में स्कॉलरशिप की राशि हस्तांतरित नहीं हो पा रही है, तो उन विद्यार्थियों की लिस्टिंग आप इस वीडियो के अनुसार से देख सकते हैं, और साथ ही वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप उक्त विद्यार्थियों का खाता में सुधार कार्य कर सकते हैं, जिससे कि उक्त विद्यार्थियों के खाते में स्कॉलरशिप की राशि आ सके। तो साथियों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, छत्तीसगढ़ जय हिंद।